Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord 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 Jesus. धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, आपका धन्यवाद, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Tujhe akela na chhodu main, रू अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, आ स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु जी, इन उपवासों में आपके सन्मुख बैठने के लिए धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपके लहू को छिड़कते हैं जब के वचन पे प्रभु जी हम मनन करते हैं, वचन अध्ययन करते हैं प्रभु,
जब ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला जाए बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। यीशु मसीह आपको जलाल देते हैं आपके सामर्थी नाम में। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैं आपको गोग और मगोग का जो युद्ध आने वाला है, द कमिंग ग्रेट बैटल ऑफ गोग एंड मगोग अगेंस्ट द पीपल ऑफ इज़राइल, उसके विषय में आज हम मनन करेंगे। रिसेंटली इज़ेकियल की कब्र से कुछ क्ले टैबलेट रिट्रीव किए गए जो शायद अभी यूएस की कस्टडी में है, और ये जो इन्हें इज़ेकियल टैबलेट कहा जाता है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन ये कुछ बाइबल के विद्वान लोगों ने उसके फोटोग्राफ्स लिए और कुछ रिसोर्सेस से मैंने ये पढ़ा है कि एक BAS टेक्नोलॉजी है जिससे टैबलेट के ऊपर लिखे गए लेटर्स को रेज करके पढ़ा जा सकता है। तो इज़ेकियल 36 अध्याय में इज़राइल के पहाड़ों की बात की गई है, जो सामरिया और यहूदिया के पहाड़ जूडियन विल्डनेस है जिधर। तो हम देखते हैं यरूशलेम 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इज़ेकियल 37 अध्याय में जब 36 से आगे बढ़ते हैं, 37 अध्याय में परमेश्वर अपने अद्भुत दास इज़ेकियल को एक तराई में लेके जाता है, बहुत बड़ी वैली है, और उस वैली में, उस तराई में सूखी हड्डियां हैं इंसानों की, शायद हजारों लाखों लोगों की सूखी हड्डियां हैं। हालेलुया। शायद परमेश्वर इज़ेकियल को नाजी लोगों का होलोकास्ट दिखा रहा था, होलोकास्ट जिसमें हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को मार डाला, और बहुत बेरहमी से, बहुत ही क्रूर रीति से उसने यहूदियों को मारा। तो इज़ेकियल वो घाटी देख रहा है जो हड्डियों से भरी है। हड्डियां DNA का प्रतीक है। इज़राइल का DNA कभी भी फना नहीं हो सकता, वो हड्डियों में बदल जाएंगे, लेकिन हड्डियों के DNA से यहोवा फिर एक बड़ी फौज खड़ी करेगा। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा आता है और प्रभु का नबी नबूवत करता है, हड्डियां हड्डियों से जुड़ती हैं, नसें नाड़ियां उनके ऊपर आ जाती हैं, मांस आ जाता है, अंदरूनी अंग बन जाते हैं, और एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। तो प्रभु दिखाता है कि कैसे इज़राइल नाजी हॉलोकॉस्ट से, एक खौफनाक हड्डियों को कपा देने वाला मंजर जिसमें ज्यूश लोग हॉलोकॉस्ट में से निकले। तो हम इज़ेकियल 37 में देखते हैं हड्डियों की वादी, इज़ेकियल 38-39 में हम देखते हैं इज़राइल के जो इर्द गिर्द नेशंस हैं उनके लिए परमेश्वर अपने दास को क्या भविष्यवाणियां देता है। वो राष्ट्र आज भी हैं, केवल उनके नाम बदले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मजॉरिटी जो नेशंस हैं इर्द गिर्द, ये सारे इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं। इज़ेकियल 38 में उन सबके नाम दिए गए हैं, वो राष्ट्र जो इज़राइल के ऊपर आक्रमण करेंगे। दो लोकेशन से इज़राइल के ऊपर अटैक किया जाएगा। इज़ेकियल 39 में हम देखते हैं उस लड़ाई का अंत क्या होगा, उस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, और किस रीति से स्वर्ग का शाश्वत सनातन परमेश्वर यहोवा स्वयं वो युद्ध लड़ेगा और राष्ट्रों की महान फौजों को यहोवा परमेश्वर खदेड़ देगा। हालेलुया। और इसके बाद फिर हम देखते हैं इज़राइल की जो अगली बैटल है वो है विद एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी के साथ। दानियल 11 अध्याय जो नॉर्थ की दिशा से
नॉर्थ, उत्तर की दिशा से शत्रु आएगा। ये जो वॉर है इसके अंदर जो फौजें हैं जो इसराइल के संग युद्ध करने के लिए आती है, एर बगैर इन फौजों को, राष्ट्रों को शैतानी आत्माएं सामर्थ देंगी। आपको मालूम उत्तर के लिए, नॉर्थ के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है एल शफोन, और ये जो एल शफोन है ये आपके ग्लोब का नॉर्थ पोल नहीं है। एल शफोन द हिब्रू वर्ड इज द नॉर्थ इन द अदर डिमेंशन, इन सेलेशियल डिमेंशन जो नॉर्थ है वहां से ये भयंकर फौजी आएंगी। और आप अगर पढ़ेंगे तो इसके अंदर नॉर्दर्न अफ्रीकन नेशंस शामिल होंगी, लीबिया, इथियोपिया, मिस्र, सब इसके अंदर शामिल होंगे, और एंटी क्राइस्ट का आत्मा इन फौजों को लीड करेगा। सीरिया, लेबनन, डमस्कस, सब इसके अंदर शामिल होंगे। हालेलुया। ये है बहुत फेमस वॉर, बैटल ऑफ आर्मगेडन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में इसका जिक्र है। मगीडो इसे कहा जाता था सुलेमान के दिनों में, जो ऊंचे पहाड़ थे इन्हें मगीडो कहा जाता था, और इसे सुलेमान ने सिटी ऑफ चैरिट का नाम दिया था। 200 स्क्वायर मील का एरिया है ये, 200 स्क्वायर मील का एरिया। जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे सेकेंड एडवेंट में, उनके पांव जैतून के पहाड़ को छुएंगे, ये वैली स्प्लिट। आपको मालूम, मैं आपसे कल परसों बात कर रहा था कि उसी जगह पे पृथ्वी के नीचे एक फॉल्ट लाइन है जिसे सिस्मोलॉजिस्ट, जो सिस्मोलॉजिस्ट वो लोग जो जियोलॉजिस्ट होते हैं पृथ्वी के अंदर, जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं और कहाँ कहाँ भूकंप आएगा उसका ज्ञान रखते हैं। तो एक मासिव भूकंप आएगा जिससे ये वादी बन जाएगी, 200 में कट जाएगी। 200 स्क्वायर मील का ये एक मासिव एरिया होगा। इसे वैली ऑफ जिज़रेल भी कहा गया है। तो ये बैटल जो है आर्मगेडन की 7 साल के सताव के बाद होगी, जिसके तुरंत बाद 1000 साल का मसीह का राज्य होगा। और हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद एक हजार साल के लिए शैतान बांधा जाएगा और वो फिर आएगा और क्या करेगा, फिर दोबारा से पृथ्वी की प्रजातियों और राष्ट्रों को गुमराह करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 7 और 8 वचन, उसको आप इजिकियल 38 और 39 से कंपेयर करें कि कैसे सेटन अब से बाहर आता है और कैसे वो स्टरअप करता है। तो ये जो शैतानी आत्माएं हैं ये पृथ्वी के राष्ट्रों को, उनके राष्ट्र अध्यक्षों को अपने हाथ में ले लेंगी। तो ये वॉर अलग है आर्मगेडन की, और गोग मगोग की लड़ाई अलग है। दो डिफरेंट जगह पे इनका जिक्र है। गोग मगोग जो है दो जगह पे मेंशन की गई है। पहला पॉइंट, बैटल ऑफ गोग एंड मगोग ऑफ द लेटर डेज एंड बी द बैटल ऑफ द एंटी क्राइस्ट। ये दोनों अलग अलग युद्ध हैं। हालेलुया। और तीसरा जो है बैटल लेड बाय सेटन हिमसेल्फ ऑफ गोग एंड मगोग। एक गोग एंड मगोग की लड़ाई जो पृथ्वी के राष्ट्र मिलके करेंगे, जिसे रशिया, रूस, टर्की, ईरान, और मैंने आपको नॉर्दर्न अफ्रीका के राष्ट्र बताए इंक्लूडिंग इजिप्ट, सीरिया, लेबनन, ये सब मिलके इसराइल के ऊपर आक्रमण करेंगे। ये पहली वॉर है। इसके बाद आर्मगेडन होगा। आर्मगेडन के बाद थर्ड बैटल है जिसे फिर गोग मगोग का नाम दिया गया है। तो बहुत से लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं वो इन दोनों बैटल को एक ही बैटल समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये गोग मगोग 1000 साल के राज्य के बाद है। और जो हम पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, मेरी फाइल थोड़ा डिटैच हो रही है। पहला जो बताया इजिकियल 39 में,
जो उस युद्ध के नतीजे क्या हैं वो लिखे हैं, कि बहुत सा असला इसराइल को मिलेगा और एक बहुत बड़ी जगह में उन फौजियों की डेड बॉडीज दफनाई जाएंगी। इजिकियल 38 अध्याय उसके 2 और 6 वचन को आप जब पढ़ते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ कुछ वचन, एक्चुअली बहुत से वचन हैं जो मैं केवल कोट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ें उन्हें अभी या बाद में अपने फ्री टाइम में, लेकिन कुछ स्क्रिप्चर मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। इजिकियल 38 सुनिए, वर्स नंबर 2, सन ऑफ मैन प्रोफेसाई अगेंस्ट गॉग एंड द लैंड ऑफ मैगोग, द प्रिंस हु रूल्स ओवर द नेशंस ऑफ मेशेक तुबाल, गिव हिम दिस मैसेज फ्रॉम सॉवरेन लॉर्ड गॉग, आई एम योर एनिमी। प्रभु यहोवा कहता है गोग और मगोग से, मेशेक तुबाल से, सेनाओं का यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर कहता है, गॉग मैं तेरा दुश्मन हूं। आई विल टर्न यू अराउंड एंड पुट हुक्स इनटू योर जॉज एंड लीड यू आउट ऑफ योर डिस्ट्रक्शन। आई विल मोबिलाइज योर ट्रूप्स एंड कैवलरी एंड मेक यू अ वास्ट माइटी होल्ड। प्रभु यहोवा खुद कहता है मैं तेरे विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। आई विल मोबिलाइज योर ट्रूप्स कैवलरी एंड मेक यू अ वास्ट एंड माइटी होल्ड ऑल फुली आर्म्ड। क्या क्या नाम है? पर्शा जिसे हम ईरान कहते हैं, इथियोपिया, लीबिया, यू विल ज्वाइन टू, तुम भी इनके संग मिलोगे विद ऑल देयर वेपन। गोमर एंड इट्स हॉर्ड्स विल ऑल ज्वाइन यू अलोंग विद द आर्मीज ऑफ बेथ टोगर्मा एंड डिस्टेंट नॉर्थ एंड मेनी अदर। ये सभी राष्ट्र मिलके इसराइल के विरुद्ध आएंगे और एक मासिव अटैक करेंगे इसराइल के विरुद्ध। हालेलुया। तो ये इस्लामिक नेशन है, इनमें से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसराइल से बैर रखती है। ईरान में लोग चांट करते हैं डेथ टू इसराइल, कि इसराइलियों की मौत हो जाए, हम इसराइलियों को मेडिटेरेनियन सी में धकेल देंगे। डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इसराइल, ये बोलते हैं ईरान में। इसराइल को उस समय कुछ खास एरिया को अपने कंट्रोल में करना होगा, जो 1967 की वॉर थी और 1973 की योम किपुर की वॉर थी, जिसे हम गोलन हाइट कहते हैं आज, लेकिन ओल्ड पुराने नियम में उन्हें बशान कहा गया, जो मैसियानिक साम है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बशान के सांडों ने मुझे घेर लिया। बशान वो जगह है जहां पे हाइब्रिड रहते थे, दैंत रहते थे, दानव रहते थे, शैतानी जगह है। हालेलुया। तो इसराइल ने 6 डेज वॉर में 1967 में वो जगह जो अपने कंट्रोल में ली वापस कर दी। सीरिया कभी भी, सीरिया को ये हो नहीं सकता कि सीरिया के कंट्रोल में हो गोलन हाइट। गोलन हाइट इसराइल के कंट्रोल में इस समय। इजिकियल 38 के 18 में लिखा है कि पर्शिया कैसे खड़ा होगा, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, जो इसराइल का एक आर्च एनिमी है। हालेलुया। केवल कुछ मसीह लोग हैं, बहुत प्यारे मसीह लोग हैं ईरान में, जो इसराइल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसराइल की इस्लामिक अवाम, पर्शिया की इस्लामिक अवाम इसराइल से बैर करती है, और पर्शिया प्रतिदिन धमकियां देता है, न्यूक्लियर आर्सेनल इकट्ठे कर रहा है, यूरेनियम एनरिच कर रहा है, ताकि इसराइल को नेस्ता नाबूद कर दे। तो इजिकियल 38 के 2 से 6 में ये इस्लामिक कोअलिशन है 7 राष्ट्रों की, जिसका मुखिया होगा ईरान। हालेलुया। 7 राष्ट्र इजिकियल नबी की पुस्तक 38 अध्याय के 8 वचन में और 16 वचन में लिखा है कि इसराइल बाशान को कंट्रोल करेगा। हालेलुया। ईरान के कारण ये होगा। 1979 की जो लड़ाई थी, हालेलुया, जो मोहम्मद रिजा जिसे हम शाह ऑफ ईरान कहते हैं, 1941 में, 1941 में जिसे काला पानी की सजा कर दी गई 1971 में, आपको मालूम जो शाह ऑफ ईरान, हमारे देश में पंजाब में एक नहर है उसका नाम है शाह नहर, वो ईरान के शाह ने इंदिरा गांधी के साथ मिलके अपना पैसा लगा के बनवाई थी। शाह ऑफ ईरान बहुत लिबरल था, कट्टरवादी नहीं था,
जो शाह ऑफ ईरान था उसने रूस के अधिकार को ईरान के ऊपर, रूस अपने नीचे दबा के रखता था ईरान को, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसने अमेरिका और ब्रिटेन को चुना। शाह ऑफ ईरान ने अमेरिका से और इंग्लैंड से दोस्ती की और वो बहुत प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और लिबरल किस्म का लीडर था। वो पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म लेके आया। उसने स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया ईरान में। वो फंडामेंटलिस्ट नहीं था, जिहादी मेंटालिटी वाला नहीं था, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट नहीं था। तो उसका एक विरोधी, आपको मालूम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसने अपनी गवर्नमेंट में यहूदियों और क्रिश्चनों को भी एमपी एमएलए बनने दिया, यहूदियों को और क्रिश्चनों को भी, जो कि बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल बात थी। और उसका वैरी था आयत खुमैनी, अताउल्ला खुमैनी, अताउल्ला खुमैनी आपने सुना होगा, एक रेडिकल मुस्लिम व्यक्ति था जो ये सिखाता था कि ईरान में कुरान और शरिया लॉ होना चाहिए। ईरान लिबरल नहीं हो सकता, ईरान में औरतों को मर्दों की प्रॉपर्टी समझा जाए और बुर्के के अंदर रखा जाए। तो ये जो आयतुल्ला खुमैनी था, 1963 में इस व्यक्ति ने मुस्लिम लोगों को भड़काया और शाह जो था ईरान का वो थोड़ा बीमार हो गया, यूएस इलाज के लिए गया और बाद में कू हो गई, तख्ता पलट हो गया, खुमैनी ने ओवरटर्न कर दिया, बहुत राइट्स हुए, खुमैनी को एग्जाइल भेज दिया गया और उसके बाद वो इराक गया और फिर फ्रांस चला गया। लेकिन हिस्ट्री बताती है जब वो फ्रांस में था आयतुल्ला खुमैनी, वो अपने कैसेट बना बना के, इस्लाम के कुरान के कैसेट बना बना के भेजता था और ईरानी लोगों को भड़काता था। और शरिया लॉ और फंडामेंटलिस्टिक इस्लाम को लाने की वकालत करता था। तो 1979 में, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, ठीक है। शाह ऑफ ईरान को कैंसर हो गया और वो यूएस के हॉस्पिटल में चला गया। उस समय जिमी कार्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने शाह ऑफ ईरान की बहुत मदद की। लेकिन उस समय क्या हुआ, ईरान के अंदर बलवा हो गया, ईरानी लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी को कब्जे में ले लिया। 444 दिन तक अमेरिका की एम्बेसी को ईरानी रेबल्स ने, इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों ने कब्जे में ले लिया, इस्तांबुल में, तुर्की में। तो खुमैनी को पहले तो अमेरिका सपोर्ट करता था लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया जब खुमैनी ने भड़काया और इजरायली और अमेरिकन एम्बेसी को हॉस्टेज कर लिया, कब्जे में कर लिया। 444 दिन तक अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को उन्होंने हथियार की नोक पे, हालेलुया, अगवा करके रखा। तो ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में हुआ, जो देश था जिसमें क्रिश्चियनों को, यहूदियों को पूरी आजादी थी, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस दे वर स्वोर्न इन अ पर्शियन गवर्नमेंट। शाह ऑफ ईरान वाज अ वेरी लिबरल मुस्लिम, he was very progressive and he wanted Christianity and Judaism to prevail in his country. But when there was a coup, Ataullah Khomeini, he stirred up the coup. And after that, everything changed very quickly. The great nation of Iran, from being a liberal, secular, democratic nation where all religion and people from all walks of life were equally respected, became radically Islamic nation. Us revolution mein, 1979 ki revolution mein, pura Iran badal gaya. Iran mein 95% Shias hain, 95%, bahut kam Sunnis hain. तो हम देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं कि अमेरिका ने ईरान में एक लीडर को सपोर्ट किया जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। बिलियंस ऑफ डॉलर्स सद्दाम हुसैन को दिए, वेपन्स दिए,
क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में इराक एक बफर जोन था. ईरान एंड इसराइल के बीच में, ईरान के और इसराइल के बीच में इराक एक बफर जोन की तरह काम करता था और अमेरिका इसराइल की सपोर्ट करता था, इसलिए उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए किसे, इराक को. और हम देखते हैं बाद में वही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स और वेपन और बहुत हाईटेक असला जो दिया गया वो अमेरिका के और इसराइल के विरुद्ध ही इस्तेमाल किया गया. हालेलुया. तो हम देखते हैं कि एक वॉर चली ईरान इराक की, 10 साल तक चलती रही. 20% शिया है वहां पे ईरान इराक में और 80% सुन्नी है. और हम देखते हैं 19 हाईजैकर्स सितंबर 11 जो अमेरिका में हुआ, उसके अंदर जो 19 हाईजैकर्स थे, सॉरी 19 जो हाईजैकर्स थे जिन्होंने ट्विन टावर्स को उड़ा दिया और पेंटागन के ऊपर अटैक किया, वो सारे रेडिकल सुन्नी थे. रेडिकल सुन्नी, शियाज नहीं थे, रेडिकल सुन्नी. अंडर शाह, शाह जब था ईरान का लीडर, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, ये सब पर्शिया की, ईरान की हेल्प करते थे. अब जब रेडिकल हो गया ईरान, तो अब ईरान की सपोर्ट करता है रशिया. अभी भी आप देखें, रशिया एंड ईरान आर टुगेदर. और नबूतों में क्या लिखा है, टर्की, रशिया, ईरान और इनके संग नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज, सीरिया, लेबनान मिलके इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे. ये भविष्यवाणियां कभी टल नहीं सकती जो परमेश्वर के सच्चे नबियों ने किए. तो जब इन्होंने एम्बेसी को कैप्चर किया, इसके बाद अमेरिका ने सपोर्ट करना बंद कर दिया ईरान की. अब ईरान की सपोर्ट करता है रशिया, रूस करता है, अलकायदा, हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड, पेलेस्टीनियन टेरर, ये जो सब टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको सपोर्ट करता है रशिया. हालेलुया. ईरान के लीडर कहते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इज़राइल छोटा शैतान है, दोनों को मारना है, दोनों को नाश करना है. तो एंटी अमेरिकन, एंटी इज़राइल सेंटिमेंट्स की ब्रीडिंग ग्राउंड है ये कंट्री. तो ईरान लीड्स ये जो बैटल है इज़ेकियल 37:11, इसके अंदर सूखी हड्डियों का जो दर्शन, जिसके विषय में मैंने आपको बताया, और नबी जिसके बारे में भविष्यवाणी करता है, इज़ेकियल 37:5 में लिखा है, दिस इज द होल हाउस ऑफ इज़राइल. ये इज़राइल का सारा घराना है, 12 के 12 कबीले हैं ये, जो ड्राई सूखी हड्डियां हैं. कुछ लोग एक झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं कि इज़राइल में 12 गोत्र लौट के नहीं आए. आप पढ़िए पत्रस जब प्रचार करता है पंतेकुस्त के दिन, वो इज़राइल के 12 कबीलों को प्रचार कर रहा है, 12 के 12 कबीले वापिस लौटे हैं. उनका वापिस लौटना अति जरूरी था भविष्यवाणियों के लिहाज से. तो इज़ेकियल 35:5 में लिखा है, तो प्रभु क्या कहता है, यू शैल लिव, तुम जी उठोगे सूखी हड्डियों. इज़ेकियल 37:6, 7 और 8 वचन में 4 विंड आती है, 4 हवाएं यहोवा परमेश्वर भेजता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से. हालेलुया. इज़ेकियल 37:10 में लिखा है, वो हड्डियां जो थी सूखी हड्डियां, एक बहुत बड़ी आर्मी बन के खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी फौज, जैसे मानो इज़राइल हॉलोकास्ट की कब्रों में से निकल के बाहर आ रहा है. हालेलुया. प्रभु ने कहा नबी से, यू विल बिकम अ ग्रेट नेशन, तुम एक महान राष्ट्र बनोगे, नो लॉन्गर डिवाइडेड, फिर तुम दोबारा बांटे नहीं जाओगे. जैसे सुलेमान के पाप के बाद इज़राइल 2 हिस्सों में बट गया, नॉर्दर्न किंगडम एंड सदर्न किंगडम. इज़ेकियल 37:15 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें एक राष्ट्र बनाऊंगा. हालेलुया. और प्रभु कहता है, आउट ऑफ द बैरियल प्लेस, तुम्हारे कब्रिस्तान में से मैं तुम्हें दोबारा मुर्दों में से
दोबारा जिंदा उठा खड़ा करूंगा। 14 मई 1948 को प्रभु के वचन में भविष्यवाणी थी यशाया ने की, क्या कोई देश एक दिन में पैदा होता है? एक परिवार भी एक दिन में पैदा नहीं होता। परिवार से मोहल्ला, मोहल्ले से गांव, गांव से शहर, शहर से बड़ा शहर, फिर कहीं कई शहरों को मिला के, कई प्रोविंसेस को बना के राष्ट्र बनता है। पर प्रभु ने एक दिन में इसराइल को देश बना दिया है, जैसा प्रभु ने कहा था। हालेलुया। प्रभु ने कहा दोनों को एक बना दूंगा, जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब है ट्विस्ट कर देना, दो रस्सियों को ऐसे मिला के जोड़ देना। और प्रभु ने कहा एक बड़ी फौज बनाऊंगा, हिब्रू वर्ड है गदोल, एक्सीडिंगली ग्रेट आर्मी इन पावर एंड माइट। हालेलुया। तो उसका नाम है इसराइल, फलस्तीन उसका नाम नहीं है। फलस्तीन नाम दिया गया 4वीं या 5वीं सदी में कॉन्स्पिरेसी के तहत, ताकि इजरायली लोगों से उनकी लैंड छीन ली जाए। हालेलुया। 1948 में इसका नाम फलस्तीन नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया इसराइल, द होम लैंड ऑफ द जूज, यहूदियों के रहने की जगह, जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने हमारे पुरखे इब्राहिम से की थी। तो ये भविष्यवाणी पूरी हुई 1967 के बाद 1988, और हम देखते हैं आलिया हो रहा। आलिया का मतलब यहूदी लोग वापस अपने वतन की ओर लौट रहे हैं, इज़ेकियल 38:8। और इसराइल एक बड़ी फौज बन रहा है, बहुत बड़ी फौज। आपको मालूम इसराइल की IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स, इजरायली एयरफोर्स, इजरायली नेवी, इजरायली सीक्रेट सर्विसेज, इजरायली आर्मी, ये दुनिया की 4 बड़ी फौजों में से एक है। US, चाइना, रशिया, इजरायल दुनिया की 4 बड़ी शक्तिशाली फौजें हैं, जो टेक्नोलॉजी इन राष्ट्रों के पास है, इजरायल के पास है, वो दुनिया के किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है। तो परमेश्वर ने होलोकॉस्ट की राख से, होलोकॉस्ट जो हुआ हिटलर ने किया, उसकी कब्र में से यहोवा ने फौज खड़ी कर ली। इस वचन के अंदर भाई और बहनों जो नबूते हैं वो टलेंगी नहीं। मैं आज के झूठे फ्रॉड नबियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के सच्चे नबियों की बात कर रहा हूं, उनकी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। ये बैटल आ रही है गोग एंड मगोग की, ये दुनिया जा रही है उस डायरेक्शन में जिसके विषय में प्रभु के वचन में कहा है। थिस्सलुनीकियों की पत्री के 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है गॉड विल सेंड ए स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन, परमेश्वर स्वयं एक भटकाने वाली आत्मा भेज रहा है, परमेश्वर भेज रहा है एक भटकाने वाली रूह, धोखे की रूह शैतान भेजता है। लेकिन थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है एक आत्मा भटकाने वाली यहोवा भेज रहा है, ताकि बहुत से लोग धोखा खाएं। इस सत्य को पकड़ लीजिए, इस कलाम के सत्य को, इसके पीछे चलिए, ये रोशनी है जो आपको रास्ता दिखाएगी। हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे फॉर तारा बंसल, मंजीत मसीह, चंद्र मोहन, आई प्रे फॉर ग्रेस लीना बासु मात्रे, आई प्रे फॉर तनुजा सेठ, आई प्रे फॉर मीना चड्डा, आई प्रे फॉर प्रकाश भारती, इज़राइल विपल मसीह, आई प्रे फॉर राजू सिंह, Lord, I pray for Ram Bhavan. I pray for him, Lord. And Lord, I pray in the name of Jesus that you bless Manjeet Masih, Sajan Hans. I pray that you bless Rosaline Daniel, Suraj Thapa. Lord, I pray for Pooja Bisht. I pray for Tara Bansal. I pray for Satnam Singh. I pray for Brother Sahil from Pakistan. Lord bless Satnam Singh, Pastor Satnam Singh. I pray for Ishan Jungral. I pray for MD Mizan BP. I pray for Minu Sood. I pray for Aman Masih. Lord Kusum Lata, I cover under your blood. I pray for Amarjeet Kaur and I pray for Brother Lalit Mehra. Lord, I bless them. Tere lahu ki kudrat tere logon ko bolta hu. तेरा नाम जलाल पाए सदावत, तेरे वचन का अध्ययन तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह।